I've fallen in love with I Love. I love you. Él vole, wow. अरे ए, तुम क्या कर रही हो? तुम प्रेग्नेंट हो ना? अभी ये सब छोड़ो, जाओ जाओ किचन में काम करो। कोई बात नहीं, मैं मेरी बात मानो, जाओ। और हाँ, वजन मत उठाना। मेरे घर का थोड़ा ध्यान रखना भाई। क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? फाइल की चोरी के इल्जाम में मेरे पिताजी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। पैसे भी नहीं बचे हैं, अब एक नौकरी ढूंढनी होगी। तो तुम्हें आज ही काम पर जाना जरूरी है क्या? आज से कोशिश करूंगा, तभी काम मिलेगा। देखो यार, थोड़ी सी मदद कर देना यार, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। हो सके तो माँ और जमुना के लिए खाने के लिए कुछ। अरे ऑलरेडी माँ ने खाना पैक करके रख दिया, चिंता मत करो, मैं संभालूंगा। थैंक यू मेरे भाई। प्रोफाइल तो इम्प्रेसिव है, लेकिन इससे पहले जहाँ पर काम कर रहे थे वहां से क्यों छोड़ा? पिताजी के बारे में जानते हैं? नहीं बेटा, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। हाँ ठीक है, मेरे पिताजी के। नहीं भाई, उनके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता। ठीक है भैया, शुक्रिया। शराब पीकर आए हो? मुझे माफ कर दो जमुना, मुझे माफ कर देना माँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका इसलिए पी ली माँ। ये हमारा घर है माँ, यही हमारी जिंदगी है, क्या हम ऐसे ही रहेंगे माँ? पहले हमारी जिंदगी बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन खुशी से जी रहे थे। और अब मैं आप दोनों को खुश नहीं रख पा रहा हूँ माँ, आप दोनों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो माँ, माँ। पिताजी के लिए लोग कैसी बातें करते हैं माँ, पैसा लूट लिया कहते हैं, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए टेंशन में आकर पी ली। जमुना, जमुना, मैंने दारू पी ली। ठीक है, तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर मैं बहुत खुश हूँ जमुना, मैंने दारू पी ली। मेरा नाम तरुण है, मेरी जिंदगी मेरे पिताजी हैं, हम सब बहुत खुश थे। पिताजी मैं बियर पीता हूँ। हर रोज पीते हो क्या? नहीं, हफ्ते में एक दो बार पीता हूँ। हमेशा मत पीना, अच्छी बात नहीं है। ऐसी गंदी गंदी फिल्म देख के तुम सब लोग बिगड़ गए हो, कैसे हिम्मत हुई ये सब घर तक ले आने की? जाओ, जहाँ से तुम लोग लेकर आए थे वहीं जाकर वापस दे दो। सॉरी यार, मेरी वजह से ये सब। छोड़ना, उन्होंने अपनी जवानी में देखी होगी ना, उन्होंने मना किया है, मतलब हम नहीं देखेंगे, ऐसा थोड़ी है। चल चल, पापा सुन लेंगे।
अच्छा 3D में भी वो फिल्म आई है। अरे भाई जल्दी आ, शो शुरू हो जाएगा। मेरे माता पिता के बाद जिंदगी में दो ही खास लोग हैं, मेरा कजिन अरविंद और मेरा दोस्त मनीष। अरे अरविंद, आंटी घर में मैंने अचार बनाया है, घर जाते वक्त अचार लेकर जाना, भूलना मत। शाम को आकर ले जाता हूँ आंटी। चल 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 जल्दी चढ़ के मत जाया करो। ये तुम क्या कह रही हो? अब तक मैंने इसे बहुत डांटा, मारा पीटा भी, लेकिन अब तो इसे नौकरी मिल गई है। अगर मैं इसे प्यार से बात करूंगा तो सोचेगा कि पैसे के लिए बोल रहा हूँ। वाह क्या लड़की है यार, मुझे बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए। ए क्या बोल रहा है, ये कैसी चॉइस है तेरी? हाँ यार मुझे तो कोई भी चलेगी। यार तुम शादी की बात कर रहे हो और मैं प्यार की बात कर रहा हूँ। एक लड़की आकर मेरी लाइफ सुधारे, मुझे सुधार दे, वो अलग ही फीलिंग होती है यार। तेरा मतलब है लड़की आएगी तभी तू सुधरेगा? हाँ फिर तो सुधरना पड़ेगा ना। समझ गया। तू भी इसी कॉलोनी में रहता है, यहाँ तो कोई सुंदर लड़की है नहीं, इसलिए सब खाली खाली सा लग रहा है। अरे टीवी चालू कर, पिक्चर शुरू हो जाएगी। माँ पानी दो ना। क्या हुआ, कमर में दर्द है क्या? झाड़ू मारते वक्त कमर अकड़ गई। आंटी कैसे झाड़ू मारा था आपने? तुझे मजाक सूझ रहा है क्या? मैं इतना सीरियसली पूछ रहा हूँ और आप कह रही है कि मुझे मजाक सूझ रहा है? बेटा तरुण, आज तेरे पिताजी का जन्मदिन है ना बेटा, मंदिर जाकर पूजा करना था लेकिन आज मुझसे नहीं हो पाएगा। मंदिर जाकर पूजा करूँ? नो चांस, लोग क्या बातें करेंगे। लोग क्या बोलेंगे इसलिए मंदिर नहीं जाओगे? माँ जिद मत करो। माँ मेरे दोस्त मंदिर गए थे, हमने उनका बहुत मजाक उड़ाया था। मंदिर जाने के साथ मजाक का क्या? माँ मैच शुरू हो जाएगा ना। ठीक है जा रहा हूँ, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो, लेकिन एक शर्त पर, मुझे वड़ा पाव खाने के लिए पैसा दो। आपकी ये टेक्निक बार बार काम नहीं करेगी, अब तो ठीक चल रही हैं आप। ठीक है तरुण मैं चलता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? मंदिर जाना नो चांस, चल मैं निकलता हूँ। बाय। मैं भी निकलता हूँ, चल बाय। तू कहाँ जा रहा है? अरे उसको कंपनी देने के लिए। चल ठीक है अब शक्ल मत बना, तेरी इस टेक्निक के बारे में मैं बचपन से जानता हूँ। अरे मस्ती क्यों कर रहा है, संभल के जाना। हाँ ठीक है, जल्दी आना। क्या मांग रहा है तू भगवान से? कुछ नहीं, बस पोज दे रहा हूँ। और तूने? मोबाइल फोन, कार, पैसा। हाँ शांताकारं भुजगक्षेत्रं पद्मनाभं सुरेशं। ये भी दोस्त है। चुप है, पूजा रही है। पूजा करवानी है क्या? हाँ पिताजी के नाम की पूजा करनी है। नाम क्या है? पिताजी का नाम है विजय राघवन। राशि नक्षत्र? नहीं पता। अरे यार तू अपने पिताजी का राशि नक्षत्र नहीं जानता? नहीं जानता क्यों? छी थू। अच्छा हुआ इधर आए, यहाँ सुंदर डिसेंट लड़कियां आ रही है। हाँ यार लेकिन मैंने मेरी वाली तो फिक्स कर ली है। कौन यार? वो देख मेरी हीरोइन। ये रेवती है, हमारी कॉलोनी में रहती है। जानता हूँ, तेरे घर में बार बार किस लिए आता हूँ? अरे पापी, इसी के लिए तो आता हूँ। ये तुझसे पटने वाली नहीं है, किसी से बात भी नहीं करती है, बहुत ही एरोगेंट है। तब तो मैंने नेक्स्ट लवर को फिक्स कर लिया। अच्छा वो कौन है? पीछे देखना। देख पहले मैंने देखा इसलिए मेरी है। मैं तो इसी लड़की के साथ शादी करूंगा। बताऊं तू इस फिल्म में कॉमेडियन का रोल कर रहा है? वहां दिखा ले। वो लड़की मुझे मिलेगी तब पता चलेगा कौन कॉमेडियन है। ये ऐसी क्यों है यार? यकीन से कह सकता हूँ ये सिंगल तो नहीं होगी, अब तक इस सुंदर लड़की को किसी ना किसी ने पटा लिया होगा। देख भाई तेरी पर्सनैलिटी मुझसे थोड़ी कम है इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे तो अभी भी ये सिंगल लग रही है, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ऐसा मेरा दिल कह रहा है। यार आज कॉमेडी टाइमिंग तेरी सही है, तेरा चांस ही नहीं है यार। जा रही है, जा रही है, जा रही। आजकल मैं कुछ भी बोलूं तुझे कॉमेडी लगता है? अच्छा सुन, ग्रीन तेरी ऑरेंज मेरी। यार तूने तो बहुत जल्दी डिसाइड कर ली। इस बात का अरविंद को पता नहीं चलना चाहिए, वो हम दोनों से हैंडसम दिखता है इसलिए। तुम्हारे घर में सारे तो है ना? अरे कहाँ जा रहा है? मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर जा रहा है? लेकिन कभी भी मंदिर जाने से कतरा रहा है। कहाँ जा रहा है? दुकान जा रहा हूँ, इसलिए चड्डी खरीदने के लिए। मैं भी चलूंगा, जरूरत नहीं है। सारी रात मैं सोचता रहा वो रेवती मेरे लिए ठीक है और गोरी वाली तू रख ले। अब जरा बता कहाँ पे जा रहा है? मंदिर जा रहा हूँ, आएगा क्या? भाई वो लड़की आज भी कल के ही टाइम पर आएगी मंदिर में, यही सोचकर तू आया है ना? रेवती रोज इसी वक्त पे आती है तो वो भी आती होगी, सिंपल है यार। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मंदिर जा रहे हैं यार। ए आजकल तेरी कॉमेडी टाइमिंग बहुत सही है यार। अच्छा वो अपना दोस्त वो संजय है ना, उसके पास अपना बैट पड़ा है, बस वही लेने जा रहे। वो माने ना ये आटा दिया है, मैं आंटी को देकर के आता हूँ। ए सुनना सुनना, ये क्या तीन लोगों का काम है, हम दोनों निपटा लेंगे ना। आराम से डोसा खाना। डोसा खा, बाय। जल्दी चलते हैं।
तुझे पता है हम लोग ने उसे अवॉइड क्यों किया? क्योंकि वो घर जाके अपनी माँ को बताएगा, उसकी माँ मेरी माँ को बताएगी, मेरी माँ मेरे पिताजी को बोलेंगे, मेरे पिताजी सब कुछ मुझसे पूछेंगे। क्या यार, खाते वक्त खाने पे ध्यान देना चाहिए बेटा। सुनो तरुण, तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम रोज मंदिर जाते हो, गरम रोटी देना। तू रोज मंदिर जाता है? क्यों, तुझे नहीं पता? अरे तुम्हारे बगैर तो वो कुछ भी नहीं करता। हाँ ये बात तो है, मेरे बगैर ये कुछ नहीं करता। अच्छी बात है बेटा। बेटा अरविंद, बाल बिगड़ जाएंगे। पढ़ाई करके आगे क्या करोगे? पापा की तरह मैं बिजनेस करना चाहता हूँ अंकल। सुनो, ये बिजनेस की पढ़ाई कर रहा है क्या? अब क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, अब कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा, लेकिन स्कूटर पे घूमता रहता है। अरे स्कूटर, ऑफिस तो स्कूटर से गया था लेकिन बस से वापस आ गया। क्या जी, आप भी कैसी बातें करते रहते हैं। क्या हो गया आपको? किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाना पड़ेगा, आप भुलक्कड़ हो गए। हाँ। सुनो, तुम और अरविंद ऑफिस जाके स्कूटर वापस घर ले आओ। नहीं नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। सिर्फ आधा घंटा लगेगा, प्लीज जाके ले आओ बेटा। तू नाराज क्यों हो गया है? मैं तुझसे छुपाना नहीं चाहता था, मैं तुझे सच बताता हूँ। उस दिन माँ ने मुझे डांट कर मंदिर भेजा था, फिर वहाँ गया तो एक बदलाव हो गया, खुशी मिली, मन की शांति मिली, मेरे अंदर से एक प्रकाश निकला और दिया जल गया, फिर रोज मंदिर जाने की भावना जागी। अगर तुझे बताता तो तू मजाक उड़ाता ना, इसलिए बताया नहीं। रुक रुक रुक, पिताजी के ऑफिस है। इतना झूठ क्यों बोल रहा है तू मेरे से? कल अगर कोई प्रॉब्लम में तू फंस गया ना, तब देखूंगा तुझे। देख यार, भरोसा करने वाली बात करनी चाहिए। चुप कर, वो नाराज होने वालों में से नहीं है। ठीक है भाई, और कितने दिन उसे यूं ही देखता रहेगा, कभी उसे बात भी कर ले। दरअसल वो मेरी हैसियत से थोड़ी ज्यादा लग रही है, इसलिए सोच रहा हूँ। एक बार बात करने के लिए तो इतना सोच रहा है, वो भी एक लड़की से। कमाल का लड़का है यार। अरे यार, ऐसी छोटी छोटी बातों पे गौर करूंगा तो कामयाबी की सीढ़ी कैसे चढ़ूंगा। ए, तू क्लास में क्यों दिखाई नहीं दिया? हाँ, मंदिर गया था ना। अरे तू तो मजाक कर रहा है। नहीं मजाक नहीं कर रहा, खुशी शांति रोशनी सबकी जरूरत पड़ती है ना। अरे यार, आज के बाद मैं मंदिर कभी नहीं जाऊंगा, छोड़ना यार। क्यों तरुण, मुक्ति मिल गई तुझे? खैर छोड़ना, छत पे चल के आराम से बियर पीते हैं। नहीं यार, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। किसके साथ जा रहा है? वो है ना गोकुल और उसके दोस्तों के साथ। उन बोरिंग लोग के साथ क्यों जा रहा है यार, मंदिर में एक लड़की है। ए, जी, ऐसा कुछ नहीं है यार, उसने बुलाया इसलिए जा रहा हूँ यार। चल फिर मिलते हैं, बाय बाय मनीष। उसने जानबूझ के ऐसा किया? ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम भी उसके बगैर मजे ही कर रहे हैं। अच्छा, तू जितना प्यार उससे करता है उतना ही वो तुझसे करता है कि नहीं, इस बात का मुझे नहीं पता। ध्यान से सुन, मैं अपनी फीलिंग्स ओपनली बताता हूँ लेकिन वो नहीं बताता है, इसलिए पागलों जैसी बातें मत किया कर। अरे रुक 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 रुक, क्या है? वो मंदिर वाली लड़की, जा यार बात कर उससे, बहुत अच्छा चांस है। नहीं यार, ऐसे छोटे छोटे कामों पर ध्यान देगा तभी तो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ पाएगा। तू बस जाके उससे नाम पूछ ले, वो या तो नाम बताएगी या फिर मना कर देगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी। जाना बात कर, अबे जाना यार। हम बार बार मंदिर में मिले हैं, आपका नाम क्या है बताइए। एक दिन में मुझे कितने लोग फॉलो करते हैं जानते हो? कितने लोग मुझसे बात करना चाहते हैं जानते हो? कितने लोग मेरा मोबाइल नंबर मांगते हैं जानते हो? इफ आई वर टू गिव माय नंबर टू एवरीवन, व्हाट डज दैट मेक मी? आपने क्या सोचकर मेरा नाम पूछा? और वो आपका दोस्त है ना, उसी ने आपको ये आइडिया दिया होगा और हिम्मत देकर यहाँ भेजा होगा। प्लीज गो। तूने बोला था वो अपना नाम कहेगी या मना करेगी, और क्या, वो छोड़ के उसने सब कुछ कहा है ना। चश्मिश कुत्ते कमीने, तुझे तो मैं। ठीक है छोड़ना यार, बहुत ज्यादा ही घमंडी है, सेट नहीं होगी, इसीलिए मैंने भी उसे छोड़ दिया। यार तेरी कॉमेडी टाइमिंग बहुत सही है, तेरा तो चांस ही नहीं है। ए, अरे वहाँ देख, ये सफेदी की चमकर यहाँ क्या कर रही है? रेवती से मिलने आई होगी, और क्या। मुझे फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँच गया, वो हमें देखकर क्या बड़बड़ा रही है, वाई वाई यू यू। इससे अच्छा मैं इससे बात कर ही लूँ। देख हैंडसम तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन हर लड़की मुझे फॉलो करेगी क्या? मैं तो फोन नंबर मांगने पर भी नहीं देता हूँ। ए, व्हाट हैपेंड मैन, हंस क्यों रहा है? तूने सीरियसली बोला लेकिन मुझे हंसी आ रही। ओह ए, हे व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, आर यू मैड? अरे सुन तो सही, तू चुप कर, मैंने मना किया था ना मुझे फॉलो करना बंद करो। Aren't you ashamed stalking a girl? Hey. Next time मुझे follow किया ना, सीधा पुलिस में जाऊंगी। Don't follow me. ये भी तो इसी कॉलोनी में रहता है।
एच ब्लॉक। देखो अभी तक मैंने तुम्हें ना ही फॉलो किया और ना ही फॉलो करना चाहता हूँ, लेकिन तुम बार बार जो फॉलो कर रही हो इसलिए मैं तुम्हें फॉलो करना चाहता हूँ और फॉलो करूंगा। चार बार तुम्हें मंदिर में देखा, एक बार तुम्हारा नाम पूछा और बड़ी इज्जत से बात की थी मैंने, लेकिन तुमने क्या कहा? कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं जानते हो? नाम क्या है जानते हो? गांव का है जानते हो? खैर तुम एक बात बताऊं, तुम रेवती की दोस्त हो, कटरीना या अनुष्का नहीं हो जो घमंड दिखा रही हो। लेकिन दिल से एक बात बताऊं, सुंदर लड़की का घमंडी होना बुरी बात नहीं है। चल भाई। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? क्यों? नेक्स्ट टाइम तुम्हारा नाम नहीं पूछूंगा। हेमा, हेमा डिसूजा। हेमा कौन सा डोसा? डिसूजा। अच्छा। What? समझ गया, बटर मसाला डोसा। तुम्हारा नाम क्या? हीरो। तुम्हारे पिताजी का नाम जीरो है क्या? बेइज्जती कर दी यार। छोड़ना छोड़ना, मेरी दोस्त है यार, थोड़ा एडजस्ट करके हंस लेना यार, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है। सुपर, बढ़िया, मस्त, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। देखना वो देख रही है क्या? देख रही है क्या? वो देख रहा है क्या मुझे? अरे यार, वो रेवती तुझे देख रही है। अरे वो नहीं, उसका दोस्त देख रहा है। पुलिस को बुलाऊं क्या? नंबर चाहिए क्या? What? पुलिस का नंबर? मेरा नंबर नहीं देने वाला हूँ। इससे अच्छा तो तुम उसके बाइक पर बैठ। Hey, stop. Is that okay? Can we go right? सैंडल्स अलाउड नहीं है। हाँ तो यहाँ निकल कर जाते हैं ना। इसका अंदर करते हैं। शूज अलाउड है। हेलो, इसे पैसा देकर सही करो या मुझसे नहीं चलेगा। और अकाउंट की जानकारी बराबर रखो और जाके सीए से मिलो। इस ऑफिसर को सही करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे रुको 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 रुको, तुम लोग आ रहे हो कि जा रहे हो, ये सब क्या लगा रखा है? मैंने कभी पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं पूछा है क्या? नहीं। तो आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? चल 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 चल। हाँ चल चल चल। हेलो, ध्यान से सुनो, तुम मुझसे सवाल मत करो। क्या बात है यार, तू तो अपने पापा से उल्टे सवाल करता है। ए सुन, उनके उम्र में करने के लिए उनके पास बहुत काम है, हमारी उम्र में करने के लिए हमारे पास बहुत काम है। जब तक हमसे कोई बड़ी गलती ना हो जाए, हमारे काम में उन्हें टांग नहीं अड़ानी चाहिए, हमेशा टांग अड़ाते हैं। हाँ, मेरे पिताजी मुझे गलत समझते हैं यार। मेरे पिताजी अच्छे आदमी है यार, लेकिन उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। उस दिन ना मुझे वो मुस्तफा मुस्तफा करके बुला रहे थे, मैंने भी सोचा कि जाने दो। क्या करे यार, मैंने कई बार उनको बोला डॉक्टर के पास जाके आओ, सुनते ही नहीं है। और वो सरकारी ऑफिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। चलो अच्छा है। अरे यार वो कब आएगी यार? ए, यही कहीं पे होगी यार, कम से कम एक बियर तो पिला दे, चुपचाप खड़े रहना बोरिंग लग रहा है। सुन, आज मेरे पास बहुत पैसे हैं, 5-5 बियर पिएंगे, हिलेंगे डुलेंगे नाचेंगे। वाओ, या एक बार मेनू कार्ड देख लेते हैं यार। या, यू आर करेक्ट। हेलो, मेनू कार्ड। इतने पैसे हम कैसे खर्च करेंगे यार? लड़ी फूल। अरे यार, सारे आइटम्स तो 500 और 1000 के ऊपर ही है। अरे यहाँ पर 20 रुपए का कुछ है। अरे पानी की बोतल है। अरे देख 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 देख, यहाँ 200 रुपए की बियर है, 200 रुपए वाली 2 बियर देना। ए, ये क्या, 2 बियर बोला था, ये तो आधी बियर दे रहा है, इसे पी के नशा चढ़ेगा नहीं उतरेगा। अरे यार जो भी है पी ले, यहाँ हम पीने थोड़ी आए, अभी तक वो भी नहीं आई है। और तू अरे देख देख, तेरी बियर से शेयर करूं? सुनना, अरे बताना, तेरी बियर पी सकता हूँ क्या? अरे चुप रहना। अरे यार प्लीज, देना मेरा बियर देना। ये क्या कर रहा है, ये ले जा पी। थैंक्स। कहाँ गई वो? मुझे नहीं पता, चल ढूंढते हैं। लाइसेंस और आरसी बुक लाओ, लड़कियों के साथ शराब पीकर घूमते हो, चलो पुलिस स्टेशन वही बात करते हैं। तो अपने दोस्त के डैड रमाकांत है ना, अब देख मैं जादू चलाता हूँ। सुनो कांस्टेबल, गाड़ी को अंदर रखो। नमस्ते सर। कैसे हो बेटा तरुण? कुछ नहीं सर, वो मैंने थोड़ी बियर पी है। अरे तो क्या हुआ, कोई बात नहीं बेटा, मैं जाऊँ ना। अब क्या हुआ? वो लड़की मेरी दोस्त है। तो सबको छोड़ दूँ क्या? उन लड़कों को पकड़ के रखिए, मैं लड़की को लेकर जाता हूँ। ठीक है, थैंक यू। चलो भाई इधर आओ, इधर आओ। हाँ लाइसेंस निकालो, ये ओरिजिनल है क्या? ओरिजिनल निकालो। इंश्योरेंस का ड्यू डेट खत्म हो चुका है। ठीक है, तुम्हारे माँ बाप को आने दो तो फिर छोड़ता हूँ। आओ छोड़ देता हूँ। एसी के आने का समय हो गया है, तुम गाड़ी में बैठ जाओ। मुझ पे भरोसा कर सकती हो? मैं भरोसा करने वालों को धोखा नहीं देता। तुम्हारा फ्रेंड ये तो पैदल चला जाएगा। ए, मेरा इस सीन में कोई डायलॉग नहीं है क्या? मैं भी तो तेरे भरोसे पे आया था।
इज गोइंग बाय। समझने की कोशिश कर यार, तू रेवती को पिकअप कर, मैं इसे ले जाता हूँ। जा रही यार, ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना तुझे। हाय। तुम बीती नहीं हो क्या? मैंने देखा तुम सिर्फ जूस पी रही थी। नो। क्यों? मुझे नहीं पसंद। तुम पीते हो क्या? क्या कहा? बियर पीते हो क्या? कभी कभी पीता हूँ। क्या करते हो तुम? क्या हुआ, मेरा धक्का लग गया क्या तुम्हें? अरे लाइफ में क्या करते हो? पढ़ता हूँ, बीकॉम आर्ट्स कॉलेज सेकंड ईयर। और तुम? बीटेक आर्किटेक्चर। तुम दिखने में विदेशी गोरी लगती हो और रोज मंदिर आती हो। पापा ब्रिटिश हैं, मम्मी ब्राह्मण। पापा की वजह से मेरा कल्चर बिगड़ रहा है, यही सोचकर माँ मुझे जबरदस्ती मंदिर भेजती हैं। अगर मुझे तुमसे बात करनी हो तो रोज मंदिर में इंतजार करना पड़ेगा क्या? ओके बाय। अरे यार थैंक्स भी नहीं बोला। क्या यार, तुझे एक थैंक्स भी नहीं बोला उसे। अरे सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर यार। अरे यार लड़कियां डोसे की तरह होती है, और लड़के डोसा बनाने वाला तवा। लोगों को डोसे का स्वाद खाली पता है, लेकिन उस तवे के बारे में कोई नहीं सोचता। अब ये ज्ञान क्यों दे रहा है तू मुझे? अरे बहुत दिनों पहले ही सोच के रखा था, सही समय पे बताने के लिए। टाइमिंग अच्छी नहीं है। तरुण यहाँ आ जाओ। तुम इधर आओ। सही बोला। हेमा के लिए। हेमा? हेमा के लिए बियर ला सकते हो, ये पूछ रही थी। सच में? जब मैंने पूछा तो वो कह रही थी पीती नहीं है। तुमने पूछा तब से वो ट्राई करने का सोच रही है। ऐसा क्या? क्लब पब जाने के लिए वो अमीर ज्यादा चाहिए, और बियर लाने हमसे कह रही है। हां जाने अरे अरे ला दे रहा जा रहा है। मैं लाता हूं ना। पियो पियो पियो, तुम्हारी वजह से बियर के रेट बढ़ रहे हैं। अरे छी, ये तो कड़वी लग रही है। ओ हो हो हो, इतनी कीमती चीज वेस्ट कर दी पागल। अरे यार ये गधे की तरह हरकतें कर रही है। बाल मेरे बाल। ओके स्टेडी स्टेडी स्टेडी। लगता है इसे चढ़ गई है। यार बिना जोक के हंस रही है। आर यू ओके हेमा? मुझे ठीक से देखो, क्या मैं ओके नहीं लग रही तुम्हें? शट अप हीरो फ्रेंड। हाँ तो तुम भी तो इस गोरी हीरोइन की फ्रेंड हो। ए, उसे भी मारना। बोला उसने मुझे मारा क्यों? ए, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप चुप। इसे गोरी बोला ना। ए, यहाँ देखो, यहाँ देखो। तुम दिखने में शरीफ हो, बहुत शरीफ हो, लेकिन तुमने एक काम किया है, बहुत बुरा काम। यहाँ यहाँ क्या कर लिया? जानते हो तुमने क्या किया? जानते हो क्या किया? क्या क्या किया मैंने हेमा? डिस्टर्ब कर रहे हो तुम मुझे। यू नो हाउ इट फील्स? चल ना, हम चल दे, बाकी का कल ले जाओ इसे। रुको, तुम इस बात को क्यों नहीं जानते? इडियट, स्टूपिड, फूल। आधे बियर में ही इतना ज्यादा पकने लगी। अरे यार इसने मारा वो तो ठीक है, लेकिन मारने के और डांटने के बीच वो कुछ बोल रही थी, है ना? हाँ बोल रही थी यार, वो कह रही थी कि तू बहुत ही शरीफ ज्यादा लड़का है। ए भाई, और तू मुझसे भी बड़ा शरीफ है, अब ठीक है ना? हाँ ठीक है। अरे वो बात नहीं है, कुछ तो किया है, कुछ तो हुआ है, मैंने डिस्टर्ब किया उसे। क्या इसका मतलब तुझे समझ में आ रहा है? तू उसे डिस्टर्ब करता ये समझ में आ रहा है? अरे यार तू समझ नहीं रहा है। हिरोइन के साथ हिरोइन की दोस्त ना हो तो तुझे भी चला जाना चाहिए। जा निकल यहाँ से। नहीं नहीं मैं नहीं जाने वाला, यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस है, हम कहीं और जाके बात करें। ए, ए। सॉरी, मैंने तुम्हें कल मारा। तुमने मारा? नहीं तो ओ। लेकिन
बीच में कुछ बोल रही थी, डिस्टर्बेंस यहाँ, फील हाउ यू फील, ऐसा सिर्फ बोला, किया कुछ नहीं। नहीं मैं झूठ बोल रहा था, तुमने मारा था। मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, बोलो ना। जो बात तुमने कल कही वो सब झूठ थी, क्या मुझे मान लेना चाहिए? क्या मानना चाहिए? जो बोला था वही। क्या बोला था? I want to play a game. दार्जिलिंग जाने के टिकट्स हैं। पर मैं घर पे क्या बोलूंगी? हैप्पी फर्स्ट ईयर लव एनिवर्सरी। किस सोच में पड़ गया यार? मैं हमेशा अपने पिताजी और अरविंद से कुछ भी छुपाता नहीं था। जब से हेमा मेरी जिंदगी में आई है, लग रहा है जैसे अरविंद मेरी लाइफ से चला गया है। उसे मिलके लगभग एक साल हो गया है, अब तो वो भी मिलता नहीं ना ही फोन करता है। उसे पता है उसे झूठ बोलकर हम कुछ कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ घर जाते ही इस बार पिताजी और अरविंद से हेमा को मिला दूंगा और सारी बात बता दूंगा। एक साल में अच्छी सी नौकरी देख के हेमा के साथ शादी कर लूंगा। उसके बाद मेरे माता पिता, हेमा, तू, अरविंद और आंटी सब खुशी से रहेंगे। हाँ। क्या सोच रहा है कि मैं यहाँ कैसे आ गया? तरुण, जिस कॉलेज में तू पढ़ता है उसी कॉलेज में मैं भी पढ़ता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता? अरविंद सच में मैं तुझसे वहीं से बोल, मैं सुन रहा हूँ। ए तू क्यों ऐसी बातें कर रहा है यार? मनीष तू जानता है मैं तुझसे नाराज क्यों नहीं हुआ? सच्चाई ये है। ए ज्यादा मत बोल, तू हर्ट करने वाली बात क्यों कह रहा है? मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। अरविंद मेरी बात सुन, मैं एक लड़की से प्यार। बस हो गया, अब और नहीं सुनना मुझे। तुझे मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत है। कुछ भी हो तुझे मुझसे बात करनी चाहिए थी। अगर मैं बिना बताए तुझे छोड़कर कहीं और घूमूं तो तुझे कैसा फील होगा मुझे बोल। मुझे यही लगता था कि तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो, लेकिन मैं बहुत गलत था। अब मैं मेरी दुनिया खुद ढूंढूंगा। तुझे जरा सी भी गिल्टी फील हो रही है? तरुण तूने मुझे धोखा दिया है। सच कहूं तरुण, असल में ना तू दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं है। तरुण मैं जा रहा हूं, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, कभी भूल जाना कि मैं कभी तेरा दोस्त था। कितना टाइम लगा दिया, जल्दी से केक काटो। जुलाई के कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने? मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं है तो मैं बाद में बात करता हूं। Okay, come. I've got something for you. इतने उदास क्यों लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं। Okay, open my gift. ये क्या है? ये हमारे सपनों का घर है। ये है हॉल where we'll hang out with our friends. ये किचन है, हम यहाँ खाना बनाया करेंगे। एंड दिस इज आवर मास्टर बेडरूम वेयर यू नो इट राइट? जानता हूँ, आगे बोलो। ये बालकनी और ये गार्डन, डू यू लाइक इट? इसमें मेरे मम्मी डैडी कहाँ रहेंगे? तुम्हारे मम्मी डैडी जहाँ है वहीं रहेंगे। मजाक मत कर, वो यहाँ नहीं रहेंगे तो ये घर हमारा कैसे होगा? इसमें माँ पिताजी का कमरा ही नहीं है। तरुण
ये घर का प्लान मैंने हम दोनों के लिए बनाया है। मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसे रहूंगी, ये मेरा सपना है। ठीक है, वो तुम्हारा सपना ही बन के रहेगा। मैं तुम्हारे सपने में एक लाइन बना देता हूँ। लो, बन गया पेरेंट्स रूम, अब सब ठीक है। तरुण, हम इस घर में रहेंगे और तुम्हारे मम्मी डैडी जहाँ है उसी घर में रहेंगे। एवरी वीकेंड हम जाकर उनसे मिल लेंगे। ए, वीकेंड में जाके मिलेंगे, बाकी दिन वो अकेले रहेंगे क्या? तुम मुझसे लड़ क्यों रहे हो? तो तुम ही बताओ। मेरे पिताजी 56 साल के हैं और मेरी माँ 52 साल की है। जब मैं छोटा था उन्होंने मुझे अनाथ बना दिया था क्या? क्या अब मैं उन्हें अकेला छोड़ के अनाथ बना दूँ? अनाथों की तरह छोड़ने की बात नहीं कर रही, मैं उनका ख्याल रखूंगी, उनकी बात मानूंगी, इज्जत करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, ये मेरा ड्रीम है। मैं माँ पिताजी को छोड़ कर आऊंगा, ये तुमने कैसे सोचा? मैं भी तो आ रही हूँ, तुम भी आओ। एक काम करो, तुम भी अपने माँ पिताजी के साथ आओ, हम सब साथ रहेंगे। क्यों मजाक कर रहे हो तुम? ट्राई टू बी स्मार्ट, ओके? इट जस्ट वोंट वर्क। सेम, इट जस्ट वोंट वर्क। तुम अचानक इतनी सेल्फिश कैसे हो गई हो? सेल्फिश? सेल्फिश? मेरे ड्रीम को तुम सेल्फिश बोल रहे हो? आई जस्ट टोल्ड यू हाउ आई वांटेड टू लिव, बट फॉर यू इट्स ऑल अबाउट यू। व्हाट अबाउट मी? What about my dreams? Hey, ये क्या life dream? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं, ये possible नहीं है। तुम छोटी सी बात को इतना क्यों पढ़ा रहे हो? माँ पिताजी को छोड़ने की बात कर रही हो, कह रही हो छोटी सी बात है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। Stop making me look like a villain. तुम कैसी जिंदगी चाहते हो वो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सपनों को तुम कंसिडर भी नहीं करना चाहते। कल अगर हम साथ रहेंगे तो तुम भी मुझसे अपनी बात मनवाओगे। अगर तुम मुझे माँ पिताजी को छोड़ने के लिए कह रहे हो तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? बोलो बोलो, मेरी भी जरूरत नहीं। नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं कहीं जाके मर जाऊं। से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम गईं और एक साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अच्छा है ना, देखिए तो। हाँ हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। नमस्ते। अरे बेटा, अपने अरविंद की शादी तय हो चुकी है, तुम दोनों में से एक की शादी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा है ना, जल्द हो रही है। अरविंद भी बिजनेस में अच्छा कमाने लगा है, लड़की भी उसे बहुत पसंद है, आखिर वो दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है। क्यों तरुण, तुम उससे बात नहीं करते? अभी भी गुस्सा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बात करूंगा उससे। ठीक है बेटा, मैं नीचे हूँ। ये कुछ ज्यादा ही उछल रहा है यार, हमने कितनी कोशिशें की। वैसे तूने कौन सी गलती की, उसे बोले बिना एक लड़की से प्यार किया और क्या? अरविंद अभी बिजनेस कर रहा है और शादी करके अपने लाइफ में सेटल हो जाएगा, लेकिन तू अभी तक उस मोटू के साथ घूम रहा है। तेरे पिताजी कह रहे हैं कि ऑफिस में जॉब दिलवा देंगे, काम कर ले बेटा। मैं भी चाहती हूँ कि शादी करके तेरी जिंदगी सेटल हो जाए। मुझे अभी शादी नहीं करनी है माँ, मैं काम पे जाऊंगा, पिताजी से कह देना। तू सच कह रहा है? हाँ, जाऊंगा, बता दीजिएगा। अच्छा, मैं अभी उनको बोल देती हूँ। अरे मैं भी तेरे साथ चलूँ? आजा जानू, मैं जा रहा हूँ, आजा, साथ चलेगा। उसकी शादी का इनविटेशन देखते हैं। इनविटेशन देखने तो ऐसे जा रहा है जैसे ताजमहल देखने जा रहा हो। काफी डिफरेंट लग रहे हो। मैं नहीं जानती थी कि अरविंद तुम्हारा कजन है। हमारे ब्रेकअप के बाद लव मैरिज में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं रहा, घर वालों ने कहा और मैंने हाँ कर दी। मुझे अब पता चला कि अरविंद तुम्हारा कजन है। आई हैड टू टॉक टू यू आफ्टर दैट, क्योंकि अब हम दोनों एक ही फैमिली में शामिल होने वाले हैं। हमारे बीच कुछ भी ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें आगे बढ़ना ही होगा। We have to move on। मेरा कजिन बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ खुश रहोगी। थैंक्स। ठीक है, मैं चलती हूँ। सुनो, अरविंद अपने माँ बाप को छोड़कर आने के लिए तैयार हो गया? हाँ, क्योंकि हमारे अलग होने की वजह वही थी ना। हम उस वजह से अलग नहीं हुए थे तरुण, तुम शायद समझ ही नहीं पाए कि हम अलग क्यों हुए। इट्स अ शेम, इट्स द वे यू ट्रीटेड मी। चलती हूँ, बाय। तुझे बहुत तकलीफ हो रही है, एक काम करते कहीं और जाके बैठ जाते हैं। चल यहां से चलते हैं। अब वो मेरी प्रेमिका नहीं, अरविंद की वाइफ है, ये मैं धीरे धीरे समझने लगा था। आखिरकार मैंने अपनी माँ की बात मान ली और पिताजी के साथ काम पे जाने लगा। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे काफी बार समझाया और शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। जिंदगी में क्या सही है ऊपर वाला जानता है, इसलिए ऊपर वाले ने सही सोचा और मुझे खुशी के रूप में जमुना मिल गई। नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो। यहां इस कमरे में बहुत ही शांति है ना। तो हमें कुछ बातें करनी चाहिए। तो बात यह है कि हमारी अरेंज मैरिज है, तो एक दूसरे को जानना जरूरी है। जब मैं तुम्हें देखने आया था तब तुमने मुझे पसंद कर लिया था ना। कि आगे कुछ बोलोगी तो अच्छा लगेगा मुझे। पसंद है। पसंद है। आपको? मतलब तुम अभी तक कर रही थी तो मैंने सोचा मैं भी करना शुरू कर दूं। तुम कुछ सवाल पूछ सकती हो? ठीक है, मैं ही पूछता हूँ। तुम हस्बैंड को क्या समझती हो? मतलब हस्बैंड तुम्हें क्यों क्यों चाहिए? मेरा ख्याल रखने के लिए, सेफ फील करने के लिए, मेरी सिक्योरिटी। बताइए ना, आपको वाइफ की क्या जरूरत है? मुझे बचपन में मेरा एक भाई था, हम दोनों साथ ही एक कमरे में सोते थे। वो मुझ पर हाथ रख के सोता था, जो मुझे पसंद नहीं था मैं उसका हाथ हटा देता था। एक दिन मैं स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, पता चला मेरा भाई एक्सीडेंट में मारा गया है। जब सुबह में गया तो सुबह भाई था और शाम को नहीं था, तो मैं सहन नहीं कर पाया। और जब मैं रात को सोया तो मुझे अपना भाई सपने में आया और उसने कहा कि तू मुझसे कहता था ना कि मुझ पर हाथ मत रख, हाथ मत रख। अब मैं किस पर हाथ रख के सोऊंगा? तो मैं नींद से जाग गया और पसीने से तरबतर हो गया, बहुत डर गया था मैं। उसके बाद मैं माँ के साथ सोने लगा, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद पिताजी ने कहा कि तुम्हें अब यहाँ नहीं सोना चाहिए, तुम्हें अकेले सोना चाहिए। तो मैं अकेले इस कमरे में सोने लगा, लेकिन बाद में मुझे वही सपना फिर से आने लगा। मैं रात को डर के मारे नींद से जागने लगा था, इसलिए मुझे पत्नी की जरूरत है ताकि मैं उस पर हाथ रख के सो सकूं, बस इसलिए शादी की। बेकार की बातें करके तुम्हारा दिमाग खराब हो ना। ऐसा नहीं है,
भूख लगी है क्या? मैं चलता हूँ ऑफिस। ठीक है, अब ठीक है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। जो भी है थोड़ी देर में चला जाएगा। ना देखो हम लोग आ गए। माँ, अरे माँ पिताजी आ गए आप? जल्दी कैसे आ गए हो बहू? जरा कुछ बोलो। सुनो तरुण जल्दी आना बेटा, तुम्हारी वजह से ऑफिस जाने में देर हो रही है। ऑफिस जाना जरूरी है। आ रहा हूँ पिताजी। जल्दी बेटा। जब देखो चिल्लाते रहते हो। हेलो, ठीक है सर। वो फाइल याद से लेते आइएगा। ओके सर, मैं लाता हूँ। सुनो बेटा, आज तो नौकरी छोड़ दूंगा। हाँ हाँ, थोड़ा हाँ, मुझे जरूरी काम है, मुझे ऑफिस जाने में बहुत देर हो रही है, तुम ऑटो लेके चले जाना। इतनी क्या जल्दी है पिताजी? वो अरे एक दिन तो ऑटो में चले जाओ बेटा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, एक दिन मेरे पिताजी ऑफिस से बहुत टेंशन में लौटे। पिताजी बहुत परेशान थे। बैग आते वक्त लाया था। हमने उन्हें ऐसा कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, कुछ और कह के उन्होंने बात टाल दी। पिताजी पिताजी जूते तो पहन लीजिए। लीजिए पहनिए। बेटा तरुण। जी हाँ। आजकल मैं भुलक्कड़ सा होता जा रहा हूँ क्या? हाँ, पर छोटी छोटी बातें भूल जाना मामूली बात है। तो क्या जूता पहनना भूल जाना छोटी बात है? क्या पिताजी जूते पहनना भूल गए उसमें टेंशन ले रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऑफिस जाने से पहले मिल के जाएंगे। आप मिलकर आइए, मैं यहीं खड़ा हूँ। परेशान है, आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ और बात है। तुम स्कूटर चलाओ। ठीक है सर। बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। देवनाथ जी जरा वो फाइल लेकर आइएगा। पिताजी आप क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, एक इम्पोर्टेंट फाइल है, उसे मैंने लॉकर पे रखा था, मिल नहीं रही है। कहाँ रखा था? आप रखकर भूल गए हैं क्या? मैं भूला नहीं, तुम जाओ मैं देख लूंगा। परेशान मत होइए, आराम से ढूंढिए, मैं भी देखता हूँ। पिताजी फाइल मिली क्या? मेरा सिर दुख रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। आप आ गए, तरुण नहीं आया। उसकी जिम्मेदारी मेरी है क्या? अभी तक वो छोटा बच्चा है क्या? उसकी शादी नहीं हुई है क्या? जिम्मेदारी समझता है, वो जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, तुम इस फाइल का ठीक से ध्यान रखना, भूलना मत, कहीं और मत रख देना। माँ। हाँ? वो अभी तक ऑफिस से नहीं आए हैं,
फोन भी स्विच ऑफ है। ऑफिस का नंबर वहाँ पर लिखा है, तुम ऑफिस में फोन करके पूछ लो। हेलो, तरुण सर हैं क्या? वो निकल गए मैडम। ओ निकल गए हैं? हाँ। थैंक यू। एक दिन तरुण को आने में देर क्या हो रही है, बहू तो बहुत घबराई हुई है। आप खाएंगे नहीं? पता नहीं इनको भी क्या हो जाता है। पापा माँ पे बहुत गुस्सा कर रहे थे। वो ऑफिस में एक फाइल खो गई है, इसलिए थोड़ा परेशान है। माँ, पिताजी ने तुम्हें डांटा क्या? जाने दे बेटा, उनको ऑफिस के बहुत सारे टेंशन हैं। ऑफिस के टेंशन की वजह से वो तुम्हें डांटेंगे क्या? तेरी वाइफ खुद टेंशन में है, जा उसके पास। तू लेट क्या हो गया, वो तो इतनी घबरा गई कि क्या बोलूं। हाँ, अभी एक हाथ दूंगा ना। ए! ओ! चल जा जा। हाँ, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अच्छी तरह साफ करो। पापा, पिछले हफ्ते हमारे घर पर आए थे, पैसा कहीं भूल कर रख दिया है ऐसे कह रहे थे। ऐसी तो कोई बात नहीं थी, फाइल भूल गए थे तो बोल रहे थे कि फाइल चोरी हो गई है, बस यही बात थी। सुनिए ना। हाँ बोलो। मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या? मुझे चक्कर आ रहे हैं। थोड़ी देर सो जाओ, ठीक लगेगा। सर आइए। सॉरी। अंदर आइए। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, वो फाइल के बारे में तुम्हें। मेरे पिताजी ऐसे आदमी नहीं। अरे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उन्हें, उनके बारे में कभी गलत मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, लेकिन पूछताछ करना तो मेरा फर्ज है ना। वो कोई बैग लेकर आए थे क्या? बैग? कैसा बैग सर? पैसा, पैसों का बैग लाए थे क्या? नहीं सर, मतलब वो फाइल बेचकर पैसा लाए, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस, अगर वो फाइल गायब हो गई तो पेंशन और प्रोविडेंट फंड कुछ भी नहीं मिल पाएगा, और तुम्हें भी काम से निकलना पड़ सकता है बेटा। जानता हूँ सर। आई एम रियली वेरी सॉरी, तुम्हें कोई मदद चाहिए तो ज़रूर बोल रहा। हाँ ठीक है सर, शुक्रिया। मैं चलती हूँ तरुण। माँ का ख्याल रखना। तुम सोई क्यों नहीं? मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। सुसाइड किया ऐसी बातें चल रही है बहन जी, और फाइल भी चोरी की थी ऐसी बातें न्यूज में आ रही है। आसपास के लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं बहन जी, इसीलिए आप एक हफ्ते के अंदर अगर घर खाली कर दें तो। सुनिए, अचानक घर खाली करके कहाँ जाएंगे? आपको किराया तो वक्त पे दे रहे हैं ना। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह पाऊंगी बेटा, उनके बिना हम छोड़ देंगे। हम दूसरे घर में रहने जाएंगे। ऐसा क्यों किया उन्होंने? कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या जिंदगी में? उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हमें। सुनो जमुना, ये मैंने अभी के लिए बनाया है, मैं तरुण के लिए दूसरा बना दूंगी, तुम चिंता मत करो। हम दूसरी जगह रहने चलते हैं, ठीक है ना? आपको क्या लगता है? पिताजी भी नहीं, पुराना घर भी नहीं, काम भी नहीं, सब कुछ बदल गया है। आज हमारी हालत यह हो गई है।
आ जाने में देर क्यों हो गई? चलो अंदर। तरुण, जमुना ने खाना नहीं खाया, तेरा इंतजार कर रही है, जा बेटा। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? ये हमेशा याद दिलाना पड़ेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये लो खा लो। क्या हुआ? ऐसा कब तक चलेगा? हम दोनों आप ही के सहारे हैं। आप जानते मैंने उस घर में रहने से क्यों मना किया है? तुम बिना वजह कुछ नहीं कहोगी, मुझे पता है। अगर हम वहां रहते तो कोई कुछ बोल देता, कर देता, तो हम उसे कुछ नहीं बोल पाते। मैं इस घर में सबको पसंद करती हूँ, सबकी इज्जत करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी इज्जत करती हूँ। हमारे बच्चे को सबसे ज्यादा आप ही की जरूरत है, इसीलिए। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं पूछा, इसीलिए तो तकलीफ हो रही है। मेरी माँ के माथे पर सिंदूर नहीं, और मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुम्हारे आराम करने के लिए एक ठीक ठाक घर भी नहीं है। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये सब देख नहीं पा रहा हूँ और सह भी नहीं पा रहा हूँ। सुनिए ना, बच्चे ने लात मारी, देखिए ना। आप मेरी बातों का बुरा मत मानिए, हमारी जिंदगी बहुत बदल गई है, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, ये मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। लेकिन हमें इन छोटी छोटी खुशियों को जीना चाहिए ना। मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों किया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं पूछताछ करके सच जाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने ऑफिस में 25 साल ईमानदारी से काम किया, अब लोग उन्हें चोर कह रहे हैं। इसी वजह से मेरी शांति और खुशी गायब हो गए हैं। आसपास की छोटी छोटी खुशियों पे मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा है। अगर अनजाने में मैंने तुम्हें दुख पहुँचाया हो तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं नहीं ऐसा नहीं। मैं अभी आता हूँ। सुनिए, एक मिनट रुकिए, सुनिए ना। अरे ए, तुम पागल हो क्या? तुम्हारे पेट में बच्चा है और तुम भाग कर आ रही हो? आप मुझसे नाराज होकर खाना नहीं खाकर गए ना, इसीलिए। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ जमुना, मैं तुमसे नाराज होकर कहाँ जाऊंगा? आपकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा था। मेरी छोटी छोटी प्यारी खुशियां तुम हो जमुना। सही कहा ना मैंने? ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे उतार रही है। तो क्या हुआ, तुम मेरी पत्नी हो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। बेटा, मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। तुमने ऑफिस में आकर पूछा इसीलिए मैं बता नहीं सका। मुझे जितना पता है उतना ही तुम्हें बता पाऊंगा। तुम्हारे पिताजी ने फाइल ली थी या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ऑफिसर को दिया था और उसने गलती से कहीं रख दी थी, ऐसा बोल रहे थे। क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों हो? नहीं सर, पैसा कहाँ रखा? पैसा? कौन सा पैसा? नहीं सर, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। नहीं, तुमने अभी पैसे की बात की, मैंने डिटेल में पूछा तो उन्होंने बात को टाल दी। तुम उस ऑफिसर से मिलो तो शायद तुम्हें पता चल जाए। वो कोई बैग लेकर आए थे क्या? पैसा, पैसों का बैग लाए थे क्या वो?
बैठो और बताओ कैसे हो बेटा। सर आपने मेरे पिताजी को कुछ पैसे दिए थे क्या और वो कहीं रख कर भूल गए? सर प्लीज़ बताइए ना, मैं किसी से नहीं कहूँगा, उस बारे में आप जो भी जानते हैं प्लीज़ बताइए सर। 5 करोड़। 5 करोड़? 5 करोड़। अरे क्या कर रहे हो तुम, जल्दी करो। बस हो गया साहब। हेलो, हाँ राघवन बोलिए सर। थोड़ा घर तक आ सकते हो क्या अभी? हाँ अभी। आपके घर पे सर? हाँ हाँ बस आधे घंटे में आ रहा हूँ सर। ठीक है आ जाओ। मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। कहिए सर। इस बैग को थोड़े दिनों के लिए संभाल कर रखना होगा। ठीक है सर। इस बैग में 5 करोड़ है, जब मैं मांगूंगा तब दे दीजिएगा। सर ये 5 करोड़ रुपए इतनी बड़ी रकम मुझसे कैसे? पता है आप सच्चाई पर चलने वाले हैं, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं रह सकता। आपको ये ठीक नहीं लगेगा पर कल मेरे घर में CBI की रेड पड़ने वाली है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। इस वक्त मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, तब तक के लिए आप इन पैसों को रख। ये बात नहीं है सर। प्लीज राघवन। सर अगर आपने मदद नहीं की तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, मेरी इज्जत प्रतिष्ठा चली जाएगी, मेरे बीवी बच्चे सब सड़क पर आ जाएंगे। प्लीज राघवन। ठीक है सर। 6 महीने बाद मैंने उनसे पैसे मांगे। पैसे कहाँ हैं? सर वो क्या है कि क्या हुआ राघवन? पैसा? हाँ पैसा। कहाँ रख दिया याद नहीं आ रहा है। क्या कहा? कहाँ रख दिया याद नहीं आ रहा? नहीं सर वो बात नहीं है सर, कहीं रखकर मैं भूल गया हूँ। राघवन सर किसी तरह से पेन कागज पर्स ये सब भूल सकते हो, लेकिन एक साथ 5 करोड़ भूल जाने का मतलब? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। मुझे भी। मैंने तुम्हें ब्लैक मनी दिया और वो पैसे दिए इसका कोई सबूत भी नहीं है, फिर तुम उसे रख कर कहीं भूल गए इसका भी सबूत नहीं है। वही है। अरे सर वो पैसा मुझे नहीं चाहिए सर, उन पैसों को कहाँ रख दिया मुझे याद नहीं। ठीक है आप जाइए। सर जाइए। संभल के राघवन, ज्यादा पैसा खतरनाक होता है, आप अच्छी तरह से याद कीजिए, आराम से रिलैक्स होकर कीजिए, लेकिन कल आते वक्त पैसा जरूर लेते आइए। अब तुम ही सोचो बेटा। मेरे पिताजी कभी भी चोरी नहीं कर सकते सर। इसलिए तो पैसे मैंने उनके हवाले किए थे, अब पैसे कहाँ गए बताओ। पिताजी कह रहे थे कि एक फाइल कहीं खो गई। सर वो फाइल वहां नहीं है सर, मैंने अच्छी तरह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कल पैसा गायब हुआ और आज फाइल गायब हो गई, क्या बात है। मुझे अच्छी तरह से याद है सर, सच में मैंने उसे अपने लॉकर में रखा था सर। तो कहाँ गई वो फाइल? आजकल बहुत चीजें खो रहे हैं आप राघवन, उस एक फाइल की कीमत क्या है जानते हैं? वो फाइल न मिली तो सिर्फ आप ही नहीं आपका बेटा भी अरेस्ट हो सकता है राघवन, घर में सिर्फ 2 औरतें रह जाएंगी, आप दोनों जेल चले जाएंगे तो फिर उनकी क्या हालत होगी, इस बारे में सोचा है? कुछ भी हो सकता है उन्हें। सर मैंने लॉकर में ही रखा था सर। राघवन पहले पैसा कहाँ है उसे ढूंढो, पैसा मिलते ही फाइल अपने आप मिल जाएगी, फाइल ना मिले तो सिर्फ आप ही नहीं आपका बेटा भी अरेस्ट होगा और आपके घर में सिर्फ 2 औरतें रह जाएंगी। पहले वो पैसा ढूंढो, फाइल अपने आप मिल जाएगी और तुम्हारी नौकरी तुम्हें दिलवा दूंगा। आजकल मैं भुलक्कड़ सा होता जा रहा हूं क्या? मुझे कैसे मालूम होगा, उन्होंने कहा रखा ये वही जानते होंगे, और तुम मुझे ऐसे क्यों परेशान कर रहा है? तो इतना टेंशन क्यों ले रहे? टेंशन ना लूं तो क्या करूं? पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था क्या? उनके बेटे तुम हो, तुम्हें नहीं बताया तो मुझे क्यों बताएंगे? तरुण तू बुरा नहीं माने तो एक बात बोलूं, अंकल के बाद तेरी फैमिली की सारी जरूरतों को मैं पूरा कर सकता हूं, तू मुझे अपनी जरूरतें तो बता। ए फालतू बकवास बंद कर, दूसरी बार ऐसा कहा ना तो मार डालूंगा। आज वो फाइल बेचकर 50 करोड़ रुपए कमा लिया, कल वो राघव फाइल लेकर आएगा तो? इस वक्त वो पैसा कहाँ है ये मेरे सिर में घूम रहा है,
जब वो पैसा लेकर के आएगा तो फिर देखेंगे। आप मेरी बात का बुरा मत मानना, उस दिन पिताजी आपसे पैसों के बारे में पूछ रहे थे, आज ये आके पैसों के बारे में पूछ रहा है। हो क्या रहा है? आप किसी भी तरह से इसमें इन्वॉल्व्ड हैं क्या? अभी मेरा दिमाग ठीक नहीं है, तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों, मुझे नहीं बता सकते क्या? मैंने कहा ना अकेला छोड़ दो। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। ऐसी कौन सी बात हो गई है जो आपको मुझसे छुपानी पड़ रही है? देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि तुम जाकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बोल दोगी, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? एक्स बॉयफ्रेंड? ए, नाटक मत करो। तरुण तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था ना? आप कैसे जानते हैं? आपको ये बात किसने बताई? ए, मैंने सब देखा है और मुझे सब पता भी है। वो मुझे अवॉइड करके तेरे पीछे घूमता था। मैंने उसे फॉलो किया और तुम दोनों को देखा, तुम्हारी खूबसूरती देखी। जिंदगी में जो मुझे अच्छा लगता था वो उससे क्यों मिल जाता था? और मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने तुम दोनों को अलग नहीं किया, तुम दोनों खुद अलग हो गए। अब मैं तुम्हें कैसे हासिल करूं, इसलिए मैंने अपनी माँ को तुम्हारे घर अपना रिश्ता लेकर भेजा और तुम मेरी हो गई, सिर्फ मेरी, हमेशा के लिए। पर आप उससे नफरत क्यों करते हैं? और उसके पिताजी के पैसे? ए, मैंने ही लिया था, मेरे ही पास है वो पैसा। अब क्या करोगे तुम, बोलो। सुनो, इसमें 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़? इतना पैसा अंकल कहाँ से मिला आपको? ये मेरे ऑफिस का है, गलत काम से ये पैसा कमाया है। किसी ने बताया कि उसके घर में रेट पड़ने वाली है, इसलिए उसने मुझे दिया है और कुछ दिनों के लिए संभाल के रखने के लिए कहा है। लेकिन अंकल, कोई प्रॉब्लम हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, रखो। लेकिन आप इसे यहाँ क्यों रख रहे हैं? मैं तो चौल में रहता हूँ, ये वहाँ नहीं ले जा सकता। पिछले हफ्ते ही पास वाले चौल में चोरी की घटना घटी थी, इसलिए यहाँ लाया ताकि यहाँ सेफ रहे। जब ऑफिसर मांगेगा तो मैं तुमसे ले लूंगा, तब तक तुम इसे संभाल के रखो। ठीक है अंकल, लेकिन आप माँ को कुछ मत बोलिए, ब्लैक मनी और टैक्स के बारे में सुनकर वो डर जाएगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और तुम भी तरुण और आंटी से कुछ मत बताना, वो हजारों सवाल करने लगेंगे। ये भी एक टेंशन है। सोचा था बिजनेस में यूज करके पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन इतनी जल्दी पैसा वापस मांगेंगे ये नहीं सोचा था। बेटा, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे, ऑफिसर वो पैसा वापस मांग रहा है, वो पैसा मुझे लौटा दो। क्या बोल रहे हैं अंकल आप, कौन सा पैसा? अरे अरविंद, तुम्हारी शादी के पहले मैंने तुम्हें वो बैग दिया था जो ऑफिसर ने मुझे दी थी। अरे ब्लैक बैग, समझा? जा, जाके ले आ। अंकल आप ये क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी शादी के पहले आपने मुझे बैग दिया था, कौन सा बैग दिया? नहीं अंकल, आपने मुझे पैसों से भरा हुआ कोई बैग नहीं दिया था। अरे मजाक मत कर बेटा, जा, जाके ले आ। अंकल मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आपने मुझे कोई बैग नहीं दिया था। hey, मजाक की भी हद होती है, लेकर आओ। क्या हुआ भैया? मैंने अपने ऑफिस के पैसे इसके पास रखने के लिए दिए थे, पैसे सेफ रहेंगे इसलिए इसके पास पैसे रखे थे, और जब मैं अपने पैसे वापस मांग रहा हूँ तो ये कह रहा है कि मेरे पास आपके कोई पैसे नहीं है। बेटा क्या है ये सब, क्या पैसे ला कर दे। माँ ये क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। माँ, अंकल आपने पैसे दिए होते तो मैं मना क्यों करता? कैसी बात कर रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं सच बोल रहा हूँ अंकल, सच। मेरी शादी से पहले आपने मुझे कोई पैसों से भरा हुआ बैग नहीं दिया। ये सब क्या है, आप हाथ उठा रहे हैं? ये कह रहा है ना इसे नहीं पता, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलेगा। अंकल मेरे पिताजी नहीं है, इसलिए कोई भी मेरे घर में आकर मुझ पर हाथ उठा सकता है? आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, आपकी याददाश्त कमजोर है, डॉक्टर को दिखाइए। मैं अच्छी तरह से सोच समझ कर बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हारे पास पैसे रखे थे, याद है? नहीं अंकल, आप नहीं रखकर भूल गए होंगे। मुझे लगा सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, लेकिन दूसरे दिन वो तरुण के साथ आए। मुझे लगा तरुण को सब पता होगा, लेकिन उन्होंने उसे कुछ भी नहीं बताया था। सुनो अरविंद, प्लीज अरविंद, पैसा लिया है तो दे दो मुझे, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने आपके पैसे नहीं लिए, आप क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं? मर गए ये सोचकर मैंने कुछ दिन पैसे बाहर नहीं निकाले, सोचा मैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वो आकर मांगने लगा मुझसे, अब खर्च करने के लिए मैं वेट करता रहूंगा क्या? तुम इंसान हो या शैतान? क्यों चिल्ला रही हो? ये मैंने से कमाया हुआ पैसा नहीं है, किसी का चोरी किया हुआ पैसा है। कहाँ जा रही है तू, रुक, कहाँ जा रही है? जमुना तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, और घर में सब बस ठीक चल रहा है।
तरुण, उनका क्या है? बस वैसे ही है, सुबह काम के लिए दुकान पे जाते हैं, रात में घर आते हैं। सासू माँ बस एक कोने में पड़ी रहती है। अब पहले की तरह कुछ नहीं रहा, वो हंसी, वो खुशियां पापा के जाने के बाद खो गई है। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये कोई नहीं जानता, लेकिन पहले की तरह उनके अंदर का वो बचपना अब नहीं रहा। अब वो सारी बातें अपने अंदर ही अंदर दबा कर रखते हैं। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना ही कभी किसी का बुरा चाहा। कल तो वो बच्चे की तरह रो पड़े। मैंने अपनी बातें बताकर तुम्हें भी रुला दिया, तुम्हें दुखी कर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, सॉरी। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। तरुण के डैडी, उनकी मौत का कारण अरविंद है। तरुण के डैडी ने वो सारे पैसे अरविंद के पास रखे थे। मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला था, लेकिन उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं, मुझे छोड़, मुझे जाने, नहीं, मुझे अंदर जाने दे, मुझे देखना है, मुझे देखना है उसे। नहीं माँ, एक बार देखना चाहती हूँ मैं, मुझे देखने दे बेटा, मुझे देखने दे, मुझे देखना, उसका चेहरा देखना है, तेरे पिताजी को मारने वाले का चेहरा मैं एक बार देखना चाहती हूँ। उसे छोड़ना मत तरुण। ढूंढ लिया है, पैसे मुझे नहीं मिले। कोई प्रॉपर्टी लीज पे लेने के लिए अरविंद ये डॉक्यूमेंट्स लाया था, लिया नहीं ये मैं नहीं जानती। हेलो सर। हाँ कहिए।
अरविंद ने आपसे मिलने के लिए बोला हम तो कल ही डील क्लोज करेंगे, उससे क्या? डील क्लोज करेंगे ठीक है, फिर भी उन्होंने डील के बारे में अच्छी तरह से बात करने के लिए कहा। अरे और कितनी बार बोलूं, मैं कई बार बोल चुका हूं, 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, महीने में 5 से 10 लाख रुपए रिटर्न होंगे, पास में ही आईटी और कॉल सेंटर है, उस जगह पे बहुत फायदा होने वाला है, आप पूरे पैसे ब्लैक में देंगे इसलिए फाइनल कर रहे हैं। डील ओके है सर, बट उसके बारे में बात करने की जगह। मेरी बात सुनो, मैं सारी डील श्वेता पार्क फैमिली रूम में करता हूँ, सुबह 7 बजे वहाँ आ जाना। श्वेता पार्क, हाँ ओके सर, लेकिन टाइम 7 बजे मत रखना, 9 बजे का रखना, क्योंकि वही एक अच्छा मुहूर्त है। हाँ ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ सर। पते पर आए हो, चौंकने की जरूरत नहीं है, बैठो। मैं जिसे अपना दोस्त अपना भाई समझता था, उसी ने मेरे पेट पे खंजर से जानलेवा वार किया है। तुझे यहां नहीं आना चाहिए था, तेरे हाथ में पैसे नहीं होने चाहिए थे, मेरे पिताजी की मौत का कोई असर नहीं हुआ, मेरी माँ ने तुझे अपना बेटा माना था। ए, अ, अ, अंकल सुसाइड कर लेंगे, ऐसा मैंने नहीं सोचा था यार, लेकिन अभी मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है, हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। आधा आधा बांट लेंगे, मेरे पिताजी ने रखने के लिए दिए थे ना तुझे, बहुत अच्छा इंसान है तू। नहीं, 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 मुझे माफ कर दे यार। तूने बिजनेस में पैसे डाले या याशी में, चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे पिताजी ने तुझे पैसे दिए थे ये तो तय, तुझे अपना समझते थे वो, किस पत्थर से तेरा दिल बना है। नहीं नहीं, तुझे 24 घंटे की मोहलत देता हूं, 24 घंटों में पैसे भर के तुझे मेरी माँ के पैरों में गिर के माफी मांगनी होगी, अगर तूने 1 मिनट भी देरी की ना तो। तूने जाकर उसे सब कुछ बता दिया ना, तेरी तो ये। अगर तुमने मुझे मारा तो मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं भी मारूंगी। ए! क्या करोगे हा? क्या करोगे बोलो? जी! अपने पति के लिए वफादार नहीं है तू, कैसी औरत है? पहले ये देखो कि तुम कैसे मर्द हो, उसके बाद तुम मुझ पर उंगली उठाना। मुझसे ज्यादा प्यारा वो हो गया तेरे लिए, बोलना, तेरे लिए वो ज्यादा अहमियत रखता है? इसका जवाब मैं दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा ना? और बेइज्जती ना हो इसलिए बाकी पैसे वापस कर दो, समझ में आ गया ना? सुनिए ना, क्या हुआ? जरा ऊपर आइए ना, जल्दी वहाँ देखिए क्या है। वो आदमी हमारे घर की तरफ हाथ दिखाकर बातें कर रहा था, घर में पैसे पड़े हैं, मुझे तो डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं जाके पूछता हूँ, तुम आराम करो ठीक है। मुझसे मिलने आए हो क्या?
तुम उसे पैसे छीन कर ले गया था ना, वो पैसे तुझसे कैसे वापस लेना मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए ढूंढने के लिए गुंडों को भेज दिया? नहीं, गुंडे नहीं भेजे, वो तो मैं तुझसे खुद ही छीन लूंगा। अरे हाँ, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तूने खुद मेहनत करके सारे पैसे कमाए। संभल जा, पैसे किसी को अमीर बनाता है तो वही पैसा किसी को जमीन पर भी ला सकता है। सुधर जा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हेलो, मैं शेखर बोल रहा हूँ, तुम्हारे घर पर रेड पड़ने वाली क्या? है रेड पड़ने वाली है रेड देवनाथ की फाइल के लिए। हमारे घर में वो फाइल कहाँ से आई? मुझे पता नहीं, होशियार रहना। क्या हुआ जी? हमारे घर में फाइल ढूंढने के लिए रेड पड़ने वाली है, पता नहीं। और अंदर पैसे हैं? माँ जी, वो शाम के वक्त काम हो जाएगा। सुन, के बैग अपने घर ले जा। क्या हो गया? जा जा, तू अपने घर ले जा। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं, सर्च वारंट है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? हम दुखी हैं, ऊपर से और परेशान कर रहे हैं आप। सॉरी फॉर द ट्रबल। हेलो। क्यों तरुण, घर में रेड पड़ी, कैसा लग रहा है? जानता हूँ ये घिनौना काम तेरा है, लेकिन तू जो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ। ओ, तो फिर पैसा तूने मनीष के घर में छुपाया होगा, है ना? अब तो मुझे मनीष को भी हॉस्पिटल पहुंचाना ही पड़ेगा। उसी दिन तुझे बोला था कि पैसे तुझसे मैं छीन कर ले जाऊंगा। पैसे भी औकात देखकर किसी के पास रहते हैं। तेरी फैमिली की औकात ही नहीं है। मेरी बात सुन, ये हीरोगिरी छोड़कर अपनी फैमिली को संभालने की कोशिश कर। देख, जिंदगी में एक आदमी जीतने के लिए पैदा होता है और एक आदमी हारने के लिए। और तू मुझसे हारने के लिए, जैसे तूने हेमा को मुझसे हारा है। मैंने बहुत कोशिश की दोस्त, लेकिन पैसे नहीं बचा सका, सॉरी। हेलो, मैं तरुण बोल रहा हूँ। बोलो बेटा। अंकल, मुझे एक नंबर के आखिरी 15 दिनों के फोन रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं क्या? बेटा, हम तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं। कोशिश कीजिए ना। 15 मिनट में ट्रेस कर लेंगे, चिंता मत करो। यार, लास्ट 15 डेज से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसने ऑन करके बार बार इस नंबर पे कॉल किया था। फ्लैट का 23 इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया, बाकी का 23 इंस्टॉलमेंट लेकर आओ। ए, तुम कैसे आदमी हो? हमारी आपस की डील बाहर कैसे लीक हो गई? अरे मैं क्यों बताऊंगा, एक आदमी आया था, बोला तुमने डिटेल लेने के लिए भेजा है, 7 बजे उसे मैंने बुलाया था। कोई भी पूछेगा तो तुम मुझे बता दोगे? ये हेमा का नंबर है, ये उसकी माँ का नंबर। इस नंबर पे कई बार कॉल किया था। तुम मुझे फोन करके एक बार बोल सकते थे। जैन बिल्डर्स, ये बिल्डर का नंबर है, जैन बिल्डर्स। खैर छोड़ो, मैं पैसे लेकर के आया हूँ, अब डील होगी या नहीं? सारी जगह बिक गई और तुम भरोसेमंद आदमी नहीं लग रहे। ये पैसे व्हाइट है या ब्लैक पता नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत लोग आते रहते हैं, तुम्हारे साथ डील ही नहीं करनी। इस नंबर पे कॉल करके देख। हेलो। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? सर, वो पैसों की बात करनी थी। कौन से पैसे? वो मुझे बिजनेस के लिए पैसे। हेलो, कौन से बिजनेस के लिए? सर, वो पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। अरे कौन हो तुम? सर, मुझे ये नंबर दिया गया है आपसे बात करने के लिए। कहा दिया था? क्या नाम है उसका? वो हेलो, रॉन्ग नंबर है, फोन रखो। इस नंबर की डिटेल और एड्रेस पता कर। हेलो हेमा डार्लिंग, तुम क्या कर रही हो? मुझे कैसे फंसाना इस बात का प्लान बना रही हो तुम? बोलो, तुम्हारा बनाया हुआ प्लान कामयाब हो गया, वो मुझसे पैसे ले गया। तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की बेइज्जती तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, तुम जानना चाहती हो वो कितना दुखी है? सुनोगी क्या? हाँ, कैसे वो आंसू बहा रहा होगा? रुको, मैं तुमको अभी सुनाता हूँ। हेलो। क्यों मेरे भाई तरुण, पूरे परिवार के साथ आंसू बहा रहा है, और देख तेरी वजह से हेमा यहाँ कितना दुखी है। सुनना चाहेगा? सुन, हेमा यहाँ पास में बैठी है, सब कुछ सुन रही है। अरविंद, फोन रख दे, उसके सामने तेरी बेइज्जती हो जाएगी। तू मेरी बेइज्जती करेगा? कैसे करेगा बे? देख, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फोन रख दे, तेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तू मेरी बेइज्जती करेगा? कैसे करेगा बता?
मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ और तू हारने के लिए। अरविंद, तूने अमरदास का नाम सुना है क्या? कहीं सुना हुआ लगता है ना। ए, 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 ए। यहाँ पर अमरदास जी रहते हैं। आप कौन? उनसे फोन पे बात हुई थी, एक काम के सिलसिले में मिलना है। कौन है आप? सर, मेरा दोस्त गायब हो गया है। आखिर में जिनसे भी बात की थी उससे मैं पूछताछ कर रहा हूँ सर। अच्छा, उसका नाम? उसका नाम तरुण है सर। तरुण नाम के किसी भी शख्स को मैं नहीं जानता। ओ अच्छा, उसने तो आपका ही नाम लिया था। अरे अरे, फोन में बैलेंस नहीं है, आपके फोन से फोन कर सकता हूँ? थैंक यू सर। एक्चुअली मैंने उसका नाम बदल के बोला सर, उसका नाम अरविंद है। हेलो, ध्यान से सुनो, अरविंद बस मेरा एक दोस्त है और कुछ नहीं, उससे ज्यादा हम दोनों में कुछ नहीं है। अभी मुझे बहुत काम है, तुम जाओ यहाँ से। पिताजी ने हमें ये अलमारी खोलने के लिए मना किया है, चलो कहीं और जाके छुपते हैं। नहीं, मुझे यही छुपना है। सर प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या? ने तुझे पैसा दिया था या नहीं? सर, बिजनेस के लिए ब्लैक मनी वाइट करने को बोला था, बस मुझे सिर्फ कमीशन मिलेगा। अरविंद, तूने धोखे से मेरे पिताजी से 1 करोड़ लिए थे, लेकिन तेरे बाकी के 4 करोड़ रुपए मेरे पास है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा था फोन रख दे, पत्नी के सामने बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन तू नहीं माना। तूने ज्ञान दिया था ना कि पैसे औकात वालों के पास रहते हैं, तेरे पास नहीं रहेंगे। तू भी मेरे परिवार वाला ही है ना, इसलिए पैसे तेरे हाथों से चले गए। बता, क्या मैं तुझसे हारने वाला हूँ? तेरी चीटिंग की वजह से शायद अमेरिकन हार सकता है, फ्रेंच हार सकता है, कोरियन हार सकता है, जापानीज हार सकता है, चाइनीज हार सकता है, इटालियन हार सकता है, स्पेनिश हार सकता है, जर्मन भी हार सकता है, लेकिन तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा तरुण को हराने के लिए। क्या हो गया, पैसे डूब गए क्या? 4 करोड़ डूब गए? 1 करोड़ में इतना घमंड दिखा रहे थे और इतने पैसे डूब गए? वैसे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की आवाज काफी अच्छी है। कमाल का है वो, तुम्हारी बोलती बंद कर दी। पैसा पैसा कर रहा था, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने तेरी बोलती बंद कर दी। पैसा पैसा कर रहा। आप सिर्फ मेरी गोद भराई की बातें करते रहेंगे या कभी कभार बच्चे से भी बात करेंगे? बात कीजिए, वो सुनेगा। बेटा, किसी रिश्तेदार पे भरोसा मत करना। यही सब सिखाएंगे? मैंने जो सीखा वही बता रहा हूं। चलती हूँ आंटी, ध्यान रखना जमुना। सुनो हेमा, बहुत देर हो गई, यही रुक जाओ, सुबह चली जाओ। अरे नहीं आंटी, मैं चली जाऊंगी, आप फिक्र मत करो। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तकलीफ होगी तुम्हें, तुम जाओ। अरे ऐसा नहीं है आंटी, रुक जाओ ना, साथ में वक्त गुजारेंगे। ठीक है, रुक जाती हूँ।
तुम यहाँ क्यों सो रही हो? तुम्हें मच्छर काटेंगे। आपकी गर्लफ्रेंड आराम से सो रही है, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। पता है पता है, बड़े प्यार से उसका बेड रेडी कर रहे थे। घर में आए मेहमान का ख्याल रखना पड़ता है ना। जरा यहाँ देखिए, मेरी तरफ देखिए। आपके मन में उसके लिए जरा सा भी प्यार नहीं है? कोई फीलिंग्स नहीं? छे, पागल जैसी बातें मत करो। मना भी तो नहीं किया। मैं तो सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता हूँ। हाँ पता है पता है। I love you, जानू। ओह बाप रे, पहली बार लव यू। हाँ, और तुमने तो आज तक कभी भी नहीं बोला। लव यू लव यू। वाह क्या बात है, इतना रोमांस। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मर जाओ। रूम के अंदर अकेले बैठे बैठे पागलों की तरह बातें करते रहते हो। पता नहीं क्यों मैंने तुम्हारी माँ को ये सारी बातें क्यों नहीं बताई। अगर उन्हें पता चला कि उनके भाई को तुमने मारा है तो पैसे किसी को अमीर बनाता है तो वही पैसा किसी को जमीन पर मिला सकता है। अरे अरविंद, ये सच है या झूठ समझ में नहीं आ रहा है? सारे लोग तुझे पागल पागल कह के बुलाते हैं ना, तू अपने आप से बातें करता है, ये सच है क्या? लगता है तुझे पागलों के डॉक्टर की सख्त जरूरत है। बेटा तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्या मैंने तुझे कभी धोखा दिया? नहीं, तूने मेरे परिवार को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया और मुझे भी मार डाला। चलो चलो, अब तुम भी, अब तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, अंकल, चलो अंकल, छोड़ चलो मेरे साथ, छोड़ दो मुझे। तूने ऐसा क्यों किया? हम सब अपनी जिंदगी में खुशी से जी रहे थे ना, भले हमारे पास रुपए पैसे नहीं थे लेकिन प्यार था, शांति थी, हम सब साथ में थे। अब कौन है तेरे साथ? तेरे लिए पैसे हमसे बढ़कर हो गए थे क्या? मैंने तुझसे पैसे वापस लिए क्यों? मेरे लिए नहीं, ना ही मेरी खुशहाल जिंदगी के लिए। ऑफिसर को वापस देने के लिए, ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि मेरे पिताजी चोर और बेईमान नहीं थे। अगर इन पैसों की वजह से तू बर्बाद हो जाए और पागल हो जाए तो मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए पैसा। क्या इससे मेरे पिताजी वापस आ जाएंगे?
मैं बाकी के पैसे भी लाकर तुझे वापस दे दूंगा। रख ले पैसे, चलता हूं। अंडी अंडी मुझे माफ कर दीजिए, पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था। अंकल सुसाइड कर लेंगे ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। इन पैसों से अपना बिजनेस शुरू करके मैं उन्हें वापस कर देता। अंकल की मौत के बाद मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे माफ कर दो आंटी। तरुण तुझसे नजरें मिलाने में मुझे शर्म आ रही है, मुझे माफ कर दे यार, माफ कर दे मुझे। मैं जो भी कर रहा था मुझे सब सही लग रहा था, लेकिन सब गलत हो गया। मैं गलत हूँ यार, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मेरे भाई। कम इन। अरे वाह तरुण, आओ बैठो। मैं आपके 5 करोड़ रुपए लेकर आया हूँ सर। वो फाइल जो इस ऑफिस में गायब हो गई थी वो मिल जाएगी ना, मुझे नौकरी वापस मिल जाएगी ना। शाम को मैं पैसे आपके घर पहुंचा दूंगा सर। मेरी बात सुनो, अब हम एक डील करेंगे। ये 5 करोड़ रुपए तुम रख लो, क्योंकि उस फाइल से मैंने 50 करोड़ कमा लिए हैं। तो 50 वापस करके वो फाइल मैं वापस नहीं ला सकता हूँ और तुम्हें नौकरी वापस नहीं दे सकता हूँ। उस नौकरी के बदले तुम ये पैसे अपने पास रख लो, तुम्हारी जिंदगी भी सेट हो जाएगी और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। किस सोच में पड़ गए भाई, पूरी जिंदगी मेहनत करोगे तो भी 1 करोड़ कमा पाओगे, ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, जाओ रख लो। तो फिर पैसे लाने के लिए घर पे आदमी क्यों भेजा था? ताकि तुम 5 करोड़ लेकर मेरे सामने इस तरह खड़े ना हो जाओ। अगर 5 करोड़ लेकर मेरे सामने आ गए तो मुझे फाइल देनी पड़ेगी। तुम्हारी क्या राय है, तुम भी बिना परेशानी के सेटल हो जाओगे और मेरी भी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। मेरे पिताजी की जान की कीमत 5 करोड़ रुपए लगा रहे हैं सर, पैसा ही सब कुछ है, ये हर किसी की सोच नहीं होती। क्या सोच नहीं होती, पैसे से बढ़कर कोई चीज है क्या? कल सुबह मुझे फाइल वापस चाहिए और मेरी नौकरी भी, समझ गए ना? नहीं तो क्या कर लोगे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अगर मैंने चाहता तो मैं बर्बाद कर दूंगा। तरुण को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है सर, लगा लो ताकत। ये पागल है क्या, 5 करोड़ को लात मार रहा है? ये ऐसे नहीं समझेगा, इसको दूसरे ढंग से समझाना होगा। हेलो, सुनिए जल्दी घर आइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, माँ भी मत करिए। मैं आ रहा हूँ। Thank you.
हेलो। मेरी डील आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए थी सर, आपने गलती कर दी है। बेटे कल तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था मुझे, तुम तो वहां से भाग गए, पर मेरी अगली चाल से तुम बच नहीं सकते हो। मुझे कुछ नहीं होगा सर, बल्कि आप खुद अंदर जाएंगे। मुझे अंदर करने के लिए तुम्हारे पास क्या सबूत है? सर पहले आप अपना टीवी ऑन करके न्यूज देखिए। हाँ सर, मैं सच बोलना चाहता हूँ, अगर मैंने सच नहीं बताया तो मुझे घुटन होगी। मेरे सीनियर ऑफिसर प्रकाश कुमार ने देवनाथ की फाइल की चोरी की और उसकी चोरी का इल्जाम विजय राघवन जी पर लगा दिया। उनसे यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने सुसाइड कर ली और प्रकाश कुमार साफ बच गए। सर इसे हम कैसे मानेंगे सर? ये सब करने में मैंने हमेशा उनका साथ दिया, मैं आई विटनेस हूँ। मैंने कैसे उसे अपनी तरफ कर लिया, आप यही सोच रहे ना सर? सब कुछ पैसा होता है सर, 5 करोड़ का घिनौना खेल मैंने आपके साथ ही खेल लिया है सर। आपके आदमी को पैसे देकर आपका ही दुश्मन बना दिया, पैसा बहुत बुरी बला है सर। गुड बाय। मिश्रा तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? मैंने भी तो तुम्हें पैसे दिए थे ना सर। आपने 50 करोड़ रुपए की लूट की और मुझे सिर्फ 5 लाख दिए, लेकिन उसने मुझे 5 करोड़ दिए। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूं तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाऊंगा सर। खाना भूल गए थे। थैंक्स। सुनो क्या हुआ? अब आप मुझे उठाकर नहीं ले जाएंगे? तब तुम प्रेग्नेंट थी इसलिए उठाकर ले गया था, अभी उठाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। तुम जाओ, पैदल जाओ। हाँ आप जानबूझकर खाना छोड़ कर गए थे ना? लंच बॉक्स तुम्हारे पास था, देना चाहिए था ना।